Hi, this is Adit Mehta. Hi, this is Diksha Dhami. And you're watching us on Tele Khazana. Welcome to Tele Khazana. Thank you. सबसे पहले आपका जो है स्वागत है. हम आज जो है खेलेंगे ऐसा गेम जो कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे. सबसे पहले मैं जानना चाहूँ ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रेन को रेलगाड़ी. डब्बो वाला गाड़ी, मालगाड़ी, कार्गो ट्रेन को मालगाड़ी. आप सही जा रहे हो लेकिन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है आपसे. गाड़ी सही है, माल रेल 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 की पटरी में चलने वाली गाड़ी. ट्रेन ट्रेन रेल पे चलने वाली ट्रेन. पर ट्रेन को इंग्लिश में ट्रेन. तुम गलत बोल रहे हो यार. एक बार बताओ, ट्रेन को इंग्लिश में रेलगाड़ी तो बोलते हैं. हमने तो रेलगाड़ी सुना है. इंग्लिश में रेल ट्रेन को रेल ट्रेन बोलते हैं. सॉरी, ट्रेन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कुछ और बोलते हैं. तुम बताओ चलो क्या बोलते हैं. रेलगाड़ी, रेल पटरी पे चलने वाली गाड़ी. सर आप चुक चुक गाड़ी. तो क्या पॉइंट मिल सकता है इसमें से? हाँ चलो, हम हार गए. तुम लोपतगामिनी. चलो यार, लोपतगामिनी कुछ भी कुछ. तुम तो वो मोहनजोदड़ो के टाइम की वर्ड नहीं कराओगे तो कैसे चलेगा ऐसे यार. रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? चुप करो, अब होगा कुछ टिकट भारतीय भरनी कुछ ऐसे ही होगा. रेलवे स्टेशन को मैं अब रेलवे स्टेशन से मेरा मुंह भूल गया. रेलवे स्टेशन को भी हिंदी में कुछ बोलते हैं. रेलवे स्टेशन को भी. हां, रेलवे हिंदी टिकट घर. आप सही जा रहे हो. अगर किसी की मदद लेना चाहे कॉल के जरिए ले सकते हैं, किसी से पूछा चाहे पूछ सकते हैं. पहले बताओ इसको जीतने का प्राइस मनी क्या है? बच्चन जी फोन नहीं उठाए. पॉइंट पॉइंट्स में क्या क्या कुछ ट्रीट फिट मिलेगी कि नहीं हमें? इतना तुम ये क्या बोला था, तुम रेल रेलगाड़ी को क्या बोलते हैं बिना देखे बोलो? ट्रेन को लोपतगामी बोलते हैं. और रेलवे स्टेशन को क्या बोलते हैं, ये है मेरा सवाल. लोपतगामिनी का फॉर्म. लोपत स्टेशन. लोपत स्टेशन. नहीं, आप सही जा रहे हो, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है. लोपत स्टे. आप सही जा रहे हो, थोड़ा दो ऑप्शन. इसमें एक ही ऑप्शन है लेकिन क्योंकि इसको नहीं पता ये दूसरा ऑप्शन देगा वहां पे इतना हैवी वर्ड है वो. तुम बता दो चलो. लोपतगामिन विराम स्थल. टाई को हिंदी में क्या कहते हैं? आप सही जा रहे थे सर, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ. आप सही एकदम गए जा रहे थे, बिल्कुल सही जा रहे थे सर. आप बिल्कुल सही बिल्कुल सही जा रहे थे सर. गलाब कंठ कंठी गले कंठी. क्या तुमने कहा था हिंदी शुद्ध हिंदी? कंठ लगोट. कंठ लगोट. आप सही जा रहे थे लेकिन बीच में आप जो है हो गए थे गड़बड़. तो हम देखेंगे जो है कौन कितना पॉइंट पाता है. तो हमारा नेक्स्ट है क्रिकेट को जो है हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ ऑप्शन दे दो यार. ऐसी यही एक ही ऑप्शन है इसमें, एक ही सवाल जिसे पॉइंट का हम देखें कौन सबसे ज्यादा पॉइंट लेता है. यार ये मैंने सुना है बट मेरे मुंह पे आ नहीं रहा. लंब डंड गोल बंद समथिंग ऐसी होता ना कुछ.
है ना? गोल गत्तम लकड़ बद्धम दे दनादन प्रतियोगिता। क्या गोल गत्तम लकड़ बद्धम दे दनादन प्रतियोगिता? गोल गत्तम लकड़ बद्धम दे दनादन प्रतियोगिता। सर नेम को क्या कहते हैं? सर नेम को, हाँ हिंदी में। आपसे कुछ ऑप्शन में दे देता हूँ, आप नाम के पीछे क्या लगाते हैं? नाम के पीछे यार सरनेम को बोलते हैं। देखा इतनी इंग्लिश बोलते हैं ना सब, क्या होता है सरनेम को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये भूल गए सरनेम। आप किसी से मदद लेना चाहे ले सकते हैं, आप कॉल के जरिए लेना चाहे ले सकते हैं। आपको गूगल करना चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो, सिर्फ फर्स्ट सीरी को पूछो। सीरी को, ओ हाँ सीरी को पूछो। उपनाम? हाँ उपनाम है ना, बिल्कुल सही जवाब। एक पॉइंट तो एक पॉइंट नहीं है, गूगल में देखा उसने, ये क्या एक पॉइंट है? तो आपको ओ प्लीज आपको आपको सर्च नहीं किया, कैसे सकते हो? ये नहीं कुछ नहीं है, मैंने सर्च किया। अरे चलो इसे तीन ऑप्शन दिए जाए, तीन हेल्प दिया जाएगा, तीन तरीके से आप किसी से पूछ सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। गूगल में देखते हैं तो फिर वो हारन नहीं बराबर है, कोई नहीं जीता। सही जवाब बिल्कुल। और जैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? जैकेट को कोट। जैकेट यार ये कहां से लेकर आया है क्वेश्चन, तीन ऑप्शन दो। चलो कोट, फतुई, आई थिंक फतुई। बिल्कुल सही जवाब। यार मैंने गूगल पे सर्च करा, वो जैकेट हिंदी में जैकेट लिख के बता रहा है। आई थिंक इट्स फतुई। बिल्कुल सही जवाब। ये होता है कि एक पॉइंट वन वन स्टार आप दोनों को मिला है, वन वन स्टार दोनों को मिला है। फिर हमारा उपनाम, उपनाम के जरिए जो है मिला गया। टी शर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? आपको भी मौका दिया जाएगा अगर आप आस्तीन, आस्तीन वाली कमीज। बिल्कुल सही जवाब। मैं हिंदी में बहुत अच्छी हूं। इसका आपको दो पॉइंट मिलता है और सर को वन पॉइंट मिलता है। सर क्या लगता है आप क्या जीत पाएंगे मैम से? एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आपातकालीन। हाँ आपातकालीन, नहीं नहीं तो लिखा होता है आपातकालीन। एम्बुलेंस को बोलते हैं रोगी वाहन शायद, है ना? सर आप रोग भाई ने बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू, बिल्कुल सही जवाब। आप मैडम आज सही खेल रही है, सर आप भी सही खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा। डायरेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देशक। आप बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। मैं बहुत अच्छा खेल रही हूँ, सर आप भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। टेलीफोन को हिंदी में क्या कहते हैं? टेलीफोन को आप कोई एक कॉल के जरिए आप किसी से हेल्प ले सकते हैं।
कॉल के जरिए अगर लेना चाहे आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल सही आप खेल रहे हैं, बिल्कुल सही खेल रहे हैं आप। बिल्कुल सही जवाब मैम, आप भी अच्छा खेल रहे, सर भी अच्छा खेल रहे, बहुत अच्छा पॉइंट जा रहा है। हम भी ऐसे देखेंगे, आगे ही खेलते रहे ऐसे ही। इंटरनेट को, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सुनो, अंतराजाल। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? चिकित्सक। सोच समझ के टिक लगाना, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं मैम। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फैशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पहनावा, फैशन को सर लॉक किया जाए, कर दो सोच के। आपने मुझे पहन लिया। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आपने भी सर, आपने भी बहुत अच्छा खेला है, मैम ने भी बहुत अच्छा खेला है। कैसा लगा ये खेल खेल के सेगमेंट का? बहुत ही अच्छा लगा मैम। सर आपको कैसा लगा? अमेजिंग, बिल्कुल ऐसा जैसे कल वो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, बिल्कुल वैसे ही था। अच्छा, इस गेम में, खेल में जो है कुछ पछतावा है क्या पॉइंट कम होने का? नहीं बिल्कुल नहीं मैम, आप क्योंकि कोई बड़ी बात है। हाँ। यार मैं तब गेम था, मैं तब भी मैं लोग तो पहले राउंड में हार मान जाते हैं, बट हमने लास्ट तक खेला और बहुत कुछ सीखने को मिला। जो चीज मुझे नहीं पता थी वैसे पता चल गई, जैसे पता नहीं थी, और हिंदी सीखने को मिला। बस दोबारा मत पूछना। थैंक यू मैम।